सो गाइस, बिना किसी देरी के खूनी मंडे का लेटेस्ट कांतारा वाली वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। तो चलो फिर करते हैं शुरू। रेडी, 3 2 1 ओके। अबे खूनी मंडे चैनल त्वरितवागि सब्सक्राइब इलादिद्रे नानु निन्नानु विडुवुदिल्ल। समझ में नहीं आया। खूनी मंडे बहुत मजा आता है देखने में। भूत कोला भूत कोला दाते सुबह से गाड़ी चलाता हुआ काफी थक गया था और अपने गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूर ही था जब वो एक दूसरे गांव से गुजर रहा था। उस गांव से गुजरते हुए उसने देखा कि सारे गांव के लोग एक जगह जमा थे और उस जगह से किसी के चिल्लाने की और ढोल बजाने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। दाते, जो मैंगलोर शहर में पला बड़ा था, पुट्टूर जिले में बसे अपने गांव में पहली बार जा रहा था। गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन थी जिसे दाते के पिता बेचना नहीं चाहते थे, पर अपने पिता के गुजरने के बाद दाते ने उसे बेचेगा। खेत और जमीन एक होटल कंपनी को बेचने के लिए अपने गांव जा रहा था। जैसे कि हमने उसकी मूवी में गाड़ी देखा, जैसे तैसे अलग अलग गांव के बीच से जा रही थी और उसको वही ढोल और चीखने की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थीं। और उन जश्नों में जलती हुई मशालों से रात भी जगमगा उठी थी। वो ये सब अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था। सब कुछ देखते देखते जब वो अपने गांव के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि वो गांव भी बाकी गांव की तरह सजा हुआ था, पर वहां अभी कोई जश्न नहीं हो रहा था। जब उसने अपने घर का ध्यान रखने वाले काका से पूछा कि ये सजावट किस लिए है, तो उन्होंने उसे बताया कि गांव में अगले दिन भूत कोला होने वाला है। दाते के काका उसे भूत कोला के बारे में बताने लगे, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो गई थी और दाते बहुत थका हुआ भी था, वो अपने काका की बात सुनने से पहले ही सो गया। सो गया। अगले दिन होटल वाले उसके घर आए। होटल वालों को अपनी जमीन दिखाने के बाद उन्हें विदा करके वो शाम को प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन कर ही रहा था जब उसे फिर से वही ढोल और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। दाते ने जब अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजब सा ही माहौल दिखा। दाते गांव के उस जश्न को देखने के लिए पेपर्स को वहीं घर में छोड़कर बाहर चला गया। जश्न की जगह पर उसे ढेर सारे लोग एक ही जगह पर जमा हुए दिखे और वही ढोल की आवाज उसे और जोरों शोरों से सुनाई दी। दाते वहां जाकर चुपचाप भीड़ में पीछे खड़ा सब देख रहा था, जब उसे दिखा कि रंग बिरंगे कपड़ों में एक आदमी उसकी तरफ पीठ करे भीड़ के बीचों बीच कांप रहा था और एक अजीब सा डांस कर रहा था और सब लोग उसी के सामने हाथ जोड़े उससे अलग अलग चीजें पूछ रहे थे। इससे पहले दाते कुछ समझ पाता, उस आदमी ने अचानक नाचना बंद कर दिया और वो भीड़ को चीरता हुआ दौड़कर दाते की तरफ आया और उसे घूरने लगा। दाते उस आदमी को इतनी पास से देखकर बुरी तरह घबरा गया। उस आदमी के पूरे मुंह पर पीला रंग था और उसके शरीर पर ढेर सारे गहने और सर के ऊपर एक जंगली सुअर का मुखौटा था, जो उस आदमी को और भी ज्यादा अजीब बना रहा था। वो आदमी कई देर तक दाते को घूरने के बाद एकदम से चिल्लाया, इतनी तेज कि दाते की रूह कांप उठी। वो आदमी दाते पर चिल्लाने के बाद वहां से कहीं जंगल की तरफ भाग गया। ये देखकर सब गांव वाले दाते की तरफ मुड़े और सबके चेहरे पर उसे एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा था। सब लोग दाते को चेतावनी देने लगे कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उसे अब अपना हर एक कदम संभाल कर उठाना चाहिए। दाते इस सब को गांव वालों की बकवास और अंधविश्वास समझकर हंसने लगा और वापस अपने घर चला गया। दाते अपने घर पहुंचा ही था कि उसके काका उसके पीछे भागते हुए घर आकर घबराए हुए उसे सब समझाने लगे। उन्होंने उससे कहा कि जो
उस पर आकर चिल्लाए थे। वो दरअसल पंजूरी देव थे, जो गांव वालों और गांव वालों की जमीन की सुरक्षा करते हैं और गांव वालों को सभी दिक्कतों से बचाते हैं। वो हर साल भूत कोला के समय आते हैं और लोगों की सारी समस्याओं को हल करते हैं, और उन्हीं के आने की खुशी में हर साल ये जश्न मनाया जाता है। दाते के काका ने उसे बताया कि पंजूरी देव का दाते पर ऐसे चिल्लाने का मतलब यही था कि जो जमीन दाते बेच रहा था, पंजूरी देव उसको बेचने के खिलाफ था। दाते इन सब को सुनकर और जोर से हंसने लगा। उसके काका उसे समझाने लगे कि अगर उसने पंजूरी देव की बात नहीं मानी तो उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। इस पर दाते अपने कमरे में पड़े हुए प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाकर उन्हें साइन कर हंसता हुआ सोने चला गया। उस रात दाते आराम की नींद सो रहा था, जब देर रात को उसकी नींद एक आवाज से खुली। जब उसने ध्यान से उस आवाज को सुना तो वो आवाज ठीक वैसी ही थी जैसे उसे शाम को भूत कोला में सुनाई दी थी, पर इस बार वो किसी के रोने की आवाज थी। डरा हुआ दाते जब आवाज के पीछे दरवाजे तक गया तो उसे दूर दूर तक वहां कोई नहीं दिखा। पर तभी एकदम से हवा में एक तेज चिंगारी आई और अचानक से पंजूरी देव उसके सामने आकर जोरों से चिल्लाने लगे। ये देखकर दाते के पसीने छूट गए और दाते बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी में बैठकर उस गांव से निकलने लगा। दाते गाड़ी चलाता चलाता जंगल वाले रास्ते तक पहुंचा ही था कि तभी उसको कुछ दिखा, जो देखकर वो सुन्न पड़ गया। अचानक से सोने के दांतों वाला और सोने का हार और मुकुट पहना हुआ एक जंगली सुअर उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। दाते ने डरते हुए अपनी गाड़ी मोड़ी और वो पास के एक पेड़ में जा लगी। दाते का एक्सीडेंट हो गया था और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। दाते को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसके काका उसके बगल में बैठे थे। उन्हें देखते ही दाते जोर से रोने लगा। फिर उसने अपने काका से उसी वक्त जाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स को लाने को कहा। उसके काका जैसे ही वो पेपर्स लाए, दाते ने उन्हें वहीं पर फाड़ दिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दाते ने पंजूरी देव से क्षमा मांगी और वापस अपने घर मैंगलोर ये कसम खाकर चला गया कि वो अपनी जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं कि दाते के साथ जो घटा वो सब किसी देव की माया थी या कोई इत्तेफाक, पर जो भी था अपने इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएगा।